बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि लेयर हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों, एक्चुअली ऑटोकैड में होता क्या है कि लेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। लेयर्स का यूज़फुल ऐसे होता है कि अगर आप किसी ड्राइंग को लेयर्स में बनाएं तो आप उसे किस तरीके से भी लेयर ऑन ऑफ फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट लेयर्स में अगर ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको उसमें चेंजेस करने के लिए या मॉडिफिकेशन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि लेयर हम किस तरीके से बनाते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एलिवेशन बनाया है जो कि एक क्लाइंट का था। खैर, तो दोस्तों, तो पहले हम शुरू करते हैं लेयर कमांड से। दोस्तों, लेयर कमांड का शॉर्ट क्यू होता है LA। जैसे हम LA प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको एक विंडो पॉपअप हो जाएगी जो कि होगी लेयर्स की। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं कि मैंने कुछ कई सारे लेयर्स बना कर रखे हैं, जो कि अगर मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाते हैं और ये ऑन करता हूँ तो ऑन हो जाते हैं। तो खैर, हम नई लेयर बनाते हैं जो कि हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। न्यू लेयर, तो मैं इसका नाम दूंगा कि वॉल न्यू। वो रीनेम करते हैं इसे वॉल न्यू और मैं इसका कलर दूंगा, फॉर एग्जांपल ऑरेंज। ओके, अब मैं इसे सेट करंट करता हूँ, सेट करंट, और इसके मैं थोड़ी देर के लिए इसे हाइड कर देता हूँ। अब मैं जो कुछ भी बनाऊँगा तो मुझे ये लेयर इसमें मिलेगा। और अगर इसका नाम देखना चाह रहे हैं, अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो आप इसका नाम दे सकते हैं लेयर न्यू। और अगर मैं इस लेयर को समझिए, मेरे पास कई सारे मल्टीपल लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉलम, मैं इसे ये बनाता हूँ, ये बनाता हूँ फर्नीचर, ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक ही लेयर लगाना है, मैं करूँगा लेयर आइसो। ओके, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, बस बाकी सब फ्रीज हो जाएंगी, अनहाइड हो जाएंगी और सिर्फ ये लेयर स्टार्ट रहेगी जिसमें मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो हमने ये एक बना लिया वॉल का लेयर। वैसे हम और एक लेयर बनाएंगे जैसे मैं बताता हूँ, फिर मैं एक न्यू लेयर करूँगा, इसे इसे कहेंगे हम विंडो न्यू। ओके, और मैं इसे कलर दूँगा, चलिए ग्रीन कलर देते हैं, और मैं इसे सेट करंट कर देता हूँ। ओके, अब जैसे मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो यही लेयर में लेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सेट टू करंट रख दिया है और इस विंडो न्यू को हमने नाम दिया था, तो ये यहाँ पे यही विंडो ले रहा है, ठीक है दोस्तों। और हम लेयर ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया इस लेयर को, बस इसमें आपको इस बल्ब की तरफ जाना है, लेयर ऑफ करनी है, बस द लेयर ऑफ, फिर इसको सेलेक्ट करनी है फ्रीज। दोस्तों, फ्रीज़ और ऑफ में कुछ डिफरेंस नहीं है। फ्रीज़ यानी आपके अगर आप लेआउट में हैं तो वो आपके लेयर को फ्रीज़ कर देगा, यानी कि आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। और जब आप मॉडल में होते हैं तो आपको अनहाइड हो जाएगी, जैसे कि लेयर ऑफ कर दिया हमने। तो अभी मैं लेयर ऑन कर दूंगा, जितने भी लेयर हमने ऑन किए थे, ऑफ किए थे, उसको लेयर ऑन कर दूंगा, लेयर ऑन, इसी के साथ लेयर ऑन हो गया। तो इसी के साथ आप किस प्रकार की, जैसे कि आप प्लम्बिंग हैं, आपको कुछ प्लम्बिंग है, प्लम्बिंग वर्क है, तो आप पाइप पाइप 22 डया करके आप इसे कलर दे सकते हैं ब्लू कलर। आप इसी तरह से कई प्रकार के लेयर्स बना सकते हैं और ड्राइंग में इनपुट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था जो आपको लेयर से समझने के लिए, अगर कुछ आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।